नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दिसंबर 2023, जो हमारे समाजशास्त्र का पेपर हुआ था, उसको डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे और साथ में देखेंगे कि किन प्रश्नों को हम चैलेंज कर सकते हैं, मेरिट क्या जा सकती है, कट ऑफ कितनी रह सकती है, और आगामी जो परीक्षा आएगी तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, और जो नए तैयारी कर रहे हैं उन के लिए ये पेपर है वो किस प्रकार से हेल्पफुल रह सकता है, इन पे हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नेटवर्क सोसाइटी, नेटवर्क समाज टॉपिक से लिया गया है, और इसके जो वास्तविक समाजशास्त्र में स्थापित करने वाले थे वो थे, कौन थे? एम कासल्स। कौन थे? एम कासल्स थे। इसको कास्टेल्स भी लिखा आता है, ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है, लेवी स्ट्रास की जो ये कृतियां हैं इनको कालानुक्रमांक में बताना है, तो इनका सही क्रमांक क्या है? तो मैंने यहां नीचे लिख रखा है, पहले है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ द किनशिप। देखो, किसी भी समाजशास्त्री की पहली पुस्तक, उसका जो शोध का विषय होता है ना, रिसर्च टॉपिक होता है, वही लगभग वही होता है, लगभग लगभग वही होता है। जैसे कि हम बात करें इमाइल दुर्खिम की, तो इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पे की, तो यही उनकी पहली पुस्तक थी, क्योंकि जो शोध कार्य करते हैं वो उसी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर लेते हैं। तो ये इनकी पहली पुस्तक है और शोध का विषय भी है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ द किनशिप। 2 नंबर पे आता है फिर स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, 3 पे आता है सिवेज माइंड, और 4 पे आता है इंट्रोडक्शन टू ए साइंस ऑफ माइथोलॉजी। अब इस प्रश्न से हमें सबक क्या मिलता है? ये मिलता है कि परीक्षा में एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनके कृतियों से होते हैं, उनकी बुक्स से पूछे जाते हैं, कई बार ईयर पूछ लिया जाता है, कई बार उनका काल क्रम पूछ लिया जाता है कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें जब भी कोई थिंकर्स को हम पढ़े तो अपने को ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि इसकी पुस्तकें कौन कौन सी है और ईयर कौन कौन सा है। तो आप इस समय, वैसे ये जो हमारा पेपर है इसमें डाउट वाले क्वेश्चन बहुत कम है, बहुत कम है, कोई एक या दो, अधिकतम 3 क्वेश्चनों को हम चैलेंज कर सकते हैं। तो अभी मुझे एक दो क्वेश्चन ऐसे लगे जिन पे हम चैलेंज कर सकते हैं, वो मैं बात करूंगा, और आपको भी अगर लगता है कि ये क्वेश्चन है वो चैलेंज हो सकता है, क्योंकि मेरे पास अभी पेपर आया है वो हिंदी मीडियम का आया है, इंग्लिश मीडियम का मुझे पेपर अभी मिला नहीं है, तो हम हिंदी मीडियम के हिसाब से चैलेंज नहीं कर सकते, अंग्रेजी को ही हमें आधार मानना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम को आधार मानने पड़ेगा। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा जितनी मेरे से हो सकेगा कि अगर वास्तव में चैलेंज करने लायक है तो उसके सोर्स को ढूंढा जाए। ये हमारा ऐप है, सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से है, और इस पे जाकर भी ये जो यूजीसी नेट का पेपर है वो आप एज ए टेस्ट के रूप में यहाँ पे फ्री में दे सकते हो, या पुराने पेपर्स हैं वो भी दे सकते हो, वैसे यहाँ पेड क्लासेज भी होती है। प्रश्न नंबर 3 है, किसने क्रेडेंशियल्स सोसाइटी की अवधारणा एक ऐसे समाज के लिए किया जहां लोग डिप्लोमा और डिग्री को विशिष्ट व्यावसायिक भूमिकाओं के संपादन की अभिक्षमता के साक्ष्य के रूप में देखते हैं? तो ये जो अवधारणा है वो किनके द्वारा दी गई? तो किनके द्वारा की दी गई है, ये उदाहरण दी गई है रेड सेल कोलिंस के द्वारा। किनके द्वारा दी गई है? कोलिंस के द्वारा ये अवधारणा है वो दी गई है। आगे है, कोई कामगार, प्रश्न नंबर 4, जो विविध प्रकार के कौशलों अथवा योग्यताओं को धारित करता है, इस कारण से वह एक नौकरी से दूसरी नौकरी को आसानी से प्राप्त कर लेता है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पोर्टफोलिया श्रमिक। पोर्टफोलिया यानी वो अपना जॉब पोर्टफोलियो चेंज कर लेता है, उसके पास इतनी योग्यता है कि वो अपने कौशल के दम पे अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर सकता है। तो ये, अब मैं भी पेड कोर्स कराता हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि हूबहू जो मैंने करवाए हैं वही आए हैं, पर इतना मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर पर्सन है, लगभग 80-90% पर्सन जो हमने करवाए हैं, मैंने करवाए हैं, उसमें से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से आए हैं। आप नेट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन की उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई आपको कहेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा और आप उसको करके आ जाना, नहीं। होते भी है, 50% तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि खुद के समझ के आधार पर आते हैं। वहां कंटेंट जो करवा रहे हैं उनमें से आ रहा है, बस इतना ही कह सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी भेषधारी महिला से संबंधित है। देखो, नोट करो, एक चीज को गौर से देखना होता है अपने को। द्विलिंगी भेषधारी महिला, आपको एक पेपर ये हो सकता है टफ लगे, पर इतना ज्यादा टफ भी नहीं है। मेरिट की बात करें तो जो जनरल की मेरिट है, जो मेरा अनुमान है, हो सकता है गलत भी हो, मैं नहीं कहूंगा कि जो मैंने कह दिया वही रहेगा, 64 और 65 के बीच में रहने का अनुमान है, और उसके हिसाब से आप अदर का भी अंदाजा है वो लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन को यहां देखिए, थोड़ा सा क्या है कि मुश्किल लगता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझें, और यूजीसी भी चाहती है कि बच्चा पेपर है वो समझ के दे। द्विलिंगी भेषधारी महिला, तो यहां बात किसकी जा रही है, महिला की बात की जा रही है। जो अंतिम वर्ड होता है ना किसी का, जो अंतिम शब्द होता है, उस पे अपने को ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो महिला के बारे में पूछा जाता है, द्विलिंगी यानी दूसरा लिंग, विपरीत लिंग कौन सा हो गया, पुरुष, जो पुरुष का भेष धारण करे रखती है, उस महिला के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा कि एक महिला जो नियमित तौर पर पुरुष के सदृश यानी विपरीत लिंग के भेष यानी कपड़े पहनती है, तो वो इसका सही आंसर होगा। आगे है कि आधुनिकता एवं भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में समय स्थान के दूरस्थीकरण की अवधारणा किसने दी। दूरस्थीकरण, देखो, समय और स्थान की बात है वो दो लोगों ने की है, एंथनी गिडेंस ने भी की है और पियरे बारदियों ने भी की है। तो यहां पे दूरस्थीकरण की बात है वो पियरे बारदियों के द्वारा की गई है, और मैं समय स्थान मिट जाते हैं से चीजें परे हो जाती है, ये बात एंथनी गिडेंस के द्वारा कही गई है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित समाजों में जन समाज है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है। जन समाज की अवधारणा, वैसे हॉर्स कोपलर नाम था शायद, क्या था, हॉर्स कोरन हाउस पर नाम था, कोरन, सॉरी राइटिंग मेरी बहुत खराब है, कोरन हाउस पर नाम है, उन्होंने ये जन समाज की अवधारणा दी थी। तो अब इसका अंग्रेजी अनुवाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, शायद तक मास सोसाइटी होगा। क्या होगा, मास सोसाइटी। अगर मास सोसाइटी होता है तो उसको हम आधुनिक समाज से कह सकते हैं, लेकिन इसने जो सही आंसर माना गया है वो माना गया है कृषक समाज। और कृषक समाज एक ऐसी अवधारणा है जिसपे सारे के सारे सहमत नहीं है। कृषक कौन है, ये बहुत ही एक विवादास्पद अवधारणा रही है। इसको हम, कोई भी कुछ कहता है, कोई किसको कृषक मानता है, अलग अलग रही है। तो इसके आधार पर जन समाज कहना, मास सोसाइटी कहना, जहां पे लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा संपर्क में रहते हैं, तो इसमें क्वेश्चन है वो डिलीट होने की संभावना है। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा अपने को चैलेंज करना है इस क्वेश्चन को, जैसे भी मिले, क्योंकि इस पे हमें इग्नू के जो है एक सोसाइटी नाम का, उसमें देखना पड़ेगा। जितना हो सके इस पे आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, इसको चैलेंज कीजिए, ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। अगर आपका गलत है तो सही है, तो वो इसको रहने दे सकते हैं। आगे है एंटी पॉलिटिक्स मशीन, जो शब्दावली है, जो उपबंध है, इसका प्रयोग किसने किया। इसका प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया, जेम्स फर्गुसन के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया, जेम्स फर्गुसन के द्वारा किया गया है। लखनऊ के रिक्शा वालों का अध्ययन 1965 में किनके द्वारा किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, हेराल्ड ए गोल्ड, हेराल्ड ए गोल्ड के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से किसने संस्कृति के मिश्रण प्रकारों को स्थानीय विषय सहभागी में वर्गीकृत किया है। तो किसने किया, आलमंड एंड सिडनी,
ब्रबानो, सिडनी ब्रबानो। प्रश्न नंबर 11, वही मेरिस मेट्रस नामक निबंध के लेखक कौन है? अभी तक तो इतने दिन तो ज्यादातर पूछे जाते थे वो पुस्तकों के नाम पूछे जाते थे, लेकिन अब है धीरे धीरे और ज्यादा डिटेल में जाते जा रहे हैं पेपर बनाने वाले, और वो जो आर्टिकल्स हैं उनसे क्वेश्चन है वो पूछे जाने लगे हैं। तो इसका सही आंसर होगा केटलिन फ्लेगन, केटलिन फ्लेगन। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप नोट्स बनाइए, आप नोट्स बनाइए, ये आया तो इसको अपने नोट में ऐड कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे मुझे नहीं लगता कि ये किसी ने करवा रखा होगा, कभी कोई पूछ लिया गया ऑप्शन एग्जाम में वो अलग बात है। वैसे ये चीजें निबंध है वो, और ऐसे थिंकर के बारे में जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं तो उनके लेख बड़ा मुश्किल काम होता है, और ऐसे चार पांच क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, तो इनकी टेंशन भी अपने को नहीं लेनी चाहिए। आगे है, भारत में सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के चार महत्वपूर्ण आधार धर्म, जाति, जनजाति और भाषा, ये किसने बताए हैं? तो ये किसने बताए हैं? टी के ओमेन ने बताए हैं। किन्होंने बताए? टी के ओमेन ने। आगे 13 नंबर प्रश्न, किसका मत है कि प्रत्येक समाज पर वैदिक जीवन शैली युक्त समूह और संस्करणों से विभाजित है? जीवन शैली, तो ये है किनका है? मैक्स वेबर का है। जीवन शैली की बात ज्यादातर मैक्स वेबर ही करते हैं। तो देखो पेपर जब हम कर रहे होते हैं तो हम जो क्लासिकल थिंकर हैं उनसे, या इंडियन सोसाइटी है इनसे तो बहुत ज्यादा रूबरू हो गए हैं, मॉडर्न थिंकर्स पे थोड़ा हम फ्रेंडली नहीं हुए हैं। और ये अभी 4-5 सालों या यूं कहें कि 10 सालों के अंदर, इस दशक के में मॉडर्निटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और धीरे धीरे भारतीय समाजशास्त्र भी क्लासिकल चीजों को छोड़ते हुए जो मॉडर्न थिंकर्स हैं उन पे चल पड़ा है, और इसी हिसाब से नेट का सिलेबस है वो लिया गया है। तो अब मेरी जितनी भी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हम मॉडर्न थिंकर्स को पढ़ें। आगे मैनुअल कालसल्ट, अब कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिनको हम लगभग अपना समझने लग गए हैं जो नेट के सिलेबस में आ गया, और अब यूजीसी फिर चर्चा कर रही है कि नेट के सिलेबस को चेंज किया जाएगा। जब हम थिंकर्स के प्रति, किन्हीं टॉपिक्स के प्रति फ्रेंडली हो जाते हैं, हमारी चीजें समझ में आने लगती है, तब ये सिलेबस चेंज करने की बात है वो कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, होगा जब देखा जाएगा और उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। फिर मैन्युअल कासेल्स द्वारा संबंधित सामान्य सुविधाओं के उपभोग की प्रक्रियाओं को दर्शाने के लिए प्रयुक्त अवधारणा कहलाती है, तो उसको क्या कहते हैं? सामूहिक उपभोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सामूहिक उपभोग कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि इमाइल दुर्खिम कृतियों का सही कालानुक्रम बताइए। मैंने ऑप्शन ही नहीं दिए क्योंकि इमाइल दुर्खिम को हम इतना कर चुके हैं कि शायद ही कोई चीज इससे बची हुई है, तो यहां चार किताबों के नाम दिए होंगे। पहली किताब है द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये कब है? 1893 के अंदर। दूसरी पुस्तक थी इनकी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 के अंदर। तीसरी पुस्तक इनकी थी द सुसाइड 1997 के अंदर। और फिर 1912 के अंदर एक इनकी पुस्तक और आई थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, वो है। प्रश्न नंबर 16, इंटरसेक्शनलिटी शब्द का सर्जन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? 3 नंबर है किम्बरले क्रेंसा के द्वारा। प्रश्न नंबर 17 की पारिवारिक जीवन के अंधेरे पक्ष पर डार्क प्रेस्पेक्टिव का ध्यान है वो किसके द्वारा आकर्षित किया गया? तो देखिए, उदारवादी नहीं करते, प्रकार्यवादी नहीं करते, संरचनावादी नहीं करते, आमूलचूल परिवर्तनवादी करेंगे। यहां ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में सही क्या होगा? स्त्रीवाद, नारीवाद। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऐप है एक सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके कुछ कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा, बुक्स सिलेबस वगैरह, और कुछ है जो बहुत कम कीमत पे आपको पेड कोर्स भी मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 है कि शिक्षा एक संस्थान औपचारिक नौकरशाही संरचना के रूप में कौन सा कार्य नहीं करता, यानी शिक्षा है वो एक औपचारिक संस्था के रूप में कौन सा कार्य
नहीं करता है। देखो, शिक्षा का कार्य क्या है? समाजीकरण करना है, ज्ञान का संचय करना है, संस्कृति की नई प्रणाली बनाने की अर्थ है, यानी जो कुरीतियां हैं संस्कृति, देखो संस्कृति होती है उसमें कुरीतियां भी होती है, उस कुरीतियों के स्थान पे नई एक स्वस्थ प्रणाली विकसित करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। संस्तरण करना यानी उच्चता और निम्नता के क्रम में लोगों को विभाजित करना, ये शिक्षा का कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसे गुणात्मक दृश्य सर्वे डिजिटल नहीं माना गया है? सर्वे यानी जिसे हम सुन सकें, चलचित्र यानी सिनेमा में सुनते हैं, छायाचित्र को सुनते हैं, कंप्यूटर संदेश भी है वो दृश्य हो सकते हैं, सर्वे हो सकते हैं, लेकिन जो अखबार है वो ना तो डिजिटल है और ना ही दृश्य सर्वे की श्रेणी में आता है, ये प्रिंट की श्रेणी में आता है, ये डिजिटल की श्रेणी में नहीं आता है। डिजिटलाइजेशन, डिजिटल अखबार जैसे कह सकते हैं आजकल ई अखबार आते हैं वो डिजिटल ही होते हैं, लेकिन यहाँ अन्य के मुकाबले अखबार है वो प्रिंट मीडिया का ही माध्यम है माना जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, किसने कहा कि पारंपरिक भारत में तार्किक वैधानिक सत्ता और नौकरशाही सामाजिक संरचनाओं की वृद्धि के लिए एक विकसित सामाजिक सांस्कृतिक आधार नहीं था? तो नौकरशाही की अवधारणा है वो मैक्स वेबर द्वारा दी गई थी, और ये कथन है वो मैक्स वेबर का ही है। किसने एस्थर परिवार शब्दावली का प्रयोग किया? एस्थर शब्दावली तो जॉर्ज सीमेल, कौन है? जॉर्ज जीमेल ने एस्थर परिवार की अवधारणा दी। कौन सा एक समाज का प्रकार नहीं है? अब वही आ जाता है, समाज का प्रकार नहीं है, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, आधुनिक समाज, शिकार एवं संग्रहण समाज। अब इसमें वैसे देखें तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, लेकिन अगर दे दिया है तो इसका सही आंसर माना गया है वो आधुनिक समाज माना गया, कि आधुनिक समाज है वो एक समाज का प्रकार नहीं है। तो देखो, कृषक समाज होता है एक निश्चित दायरा है कृषक समाज का जहां निवास करता है, औद्योगिक समाज उद्योगों के आसपास में निवास करता है, और शिकारी समाज आदिवासी समाज जंगलों में निवास करते हैं। आधुनिक समाज कहाँ निवास करता है? इस हिसाब से तीनों चारों में देखें तो आधुनिक समाज है वो थोड़ा सा डिफरेंट ऑप्शन है। वैसे प्रकार मानते हैं हम, सरल समाज है, परंपरागत समाज है, आधुनिक समाज है, नगरीय समाज को भी हम आधुनिक समाज के तौर पे जान लेते हैं, तो नहीं देना चाहिए था मैंने कह रहा हूं, लेकिन दिया है तो फिर इसमें आधुनिक समाज को माना गया है, तो ये शायद चेंज नहीं होगा, इस पे हम ज्यादा चैलेंज नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 23, इनमें से कौन प्रकृतिवाद से संबंधित, प्रकृतिवाद की अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी? मैक्स मूलर ने। प्रकृतिवाद धर्म की उत्पत्ति के हमने सिद्धांत पढ़े थे, उन सिद्धांतों में मैंने बताया था कि प्रकृतिवाद सिद्धांत है वो मैक्स मूलर का सिद्धांत है। आगे है, ग्लोबलाइजेशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? ग्लोबलाइजेशन की संकल्पना है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो ये रॉबर्टसन के द्वारा दी गई थी। समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद दृष्टिकोण किसके विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप में आया? जब मैंने ये सिद्धांतों के बारे में बताया था तो पहला सिद्धांत कौन सा विकसित हुआ था? पहला सिद्धांत कौन सा विकसित हुआ था? उद्विकासीय सिद्धांत हुआ था। कौन सा हुआ था? उद्विकासीय सिद्धांत। और उद्विकासीय सिद्धांत के बाद में प्रकार्यवादी सिद्धांत आया था। तो किसके विरोध में प्रतिक्रिया, ये बाकी जो जितने हैं ये बाद में आए, ये बाद में आए हैं प्रकार्यवाद के, तो उद्विकास पद्धति के बाद में या उसके विपरीत या विरोध में प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है वो आया है। माइकल फुको की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी किस वर्ष लिखी गई है? तो 1976 में ये पुस्तक है वो लिखी गई है। मार्क्स ने अपने किस रचना में द कमोडिटी फोरम की बात है वो की है? दास कैपिटल में की है। किसमें की है? दास कैपिटल में की है। तो अब धीरे धीरे जब हम इनको गौर से देखते हैं, मैंने भी ये पेपर पहले देखा तो मुझे लगा कि मेरिट बहुत नीचे जाएगी, पेपर बहुत टफ आया है, और
टफ है, ऐसा नहीं है कि आसान है। और कुछ क्यूरीज मेरे पास आती रहती है कि सर हम पीजीटी की तैयारी कर रहे थे तो बड़ा टफ पेपर आता है नेट के लेवल का, नेट जेआरएफ का लेवल का आता है। नहीं, पीजीटी का लेवल है वो बहुत इजी है, सबसे टफ है वो नेट का आता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का थोड़ा इसके लगभग इसके जैसा ही होता है नेट का, लेकिन थोड़ा सा इजी होता है, थोड़ा सा इजी होता है। इजी इसलिए होता है कि वहां क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं 10-15%, तो हमें इतना ज्यादा फील नहीं होता है। लेकिन 100 में से अगर हम छोड़ देते हैं तब हमें चीजें फील होती है, थोड़ा सा उसे इजी भी होता है। आज जो मैंने क्वेश्चन किए हैं वो थोड़े से मैंने इजी लिए हैं, थोड़े से इजी लिए हैं जो प्रत्यक्ष पूछे गए हैं। मेरे पास टाइम कम था तो टाइप करना था, क्योंकि पीडीएफ अगर आपके सामने प्रस्तुत करता तो उसमें धुंधला था, आपको अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता। और जब तक अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता पढ़ने का थोड़ा मजा कम आता है, इसलिए मैंने टाइप करवाया, टाइम कम मिला। कुछ क्वेश्चन आज मैंने कम लिए हैं, बाकी क्वेश्चन है वो मंगलवार को मैं करवाऊंगा, और उस दिन मैं पूरी डिटेल में ये चर्चा करूंगा कि मेरी कैटेगरी वाइज क्या रह सकती है, क्योंकि अभी मैंने पूरा पेपर देखा भी नहीं है तो इस हिसाब से मैं ज्यादा आइडिया लगा भी नहीं सकता। हाँ, मैंने जो आइडिया लगाया जनरल का 64 से 65 के बीच में, और लगभग इतना ही जाएगा। आगे है 28 नंबर, नातेदारी के प्रतिरूपों को समझने के लिए निम्नलिखित में से किसने मैत्री उपागम या अलायंस उपागम का प्रयोग है वो किया था? तो लेवी स्ट्रास ने किया था वैसे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे लुई ड्यूमा इसका सही हो जाएगा। टोटमवाद क्या है? टोटम एक विश्वास है, किस में विश्वास है? टोटमवाद को हम पढ़ते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज, कोई पशु पक्षी जिसको पवित्र मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि उसमें एक अदृश्य शक्ति का वास होता है। तो यहां देख लो लास्ट में, फिर देखो चित्र नहीं है, देवता नहीं है, आत्मा नहीं है, वस्तु है। आप इसको छोड़ दीजिए, केवल ये इतनी शब्दावली देख लीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। टोटम है क्या? ठीक है, आगे है 30 नंबर, आधुनिक विज्ञान में सिद्धांतों का एक प्रमुख लक्षण है। आधुनिक विज्ञान के अंदर सिद्धांतों का एक प्रमुख लक्षण क्या है? सिद्धांत को अंतिम व्याख्या मान लिया जाता है, ये कभी नहीं होता है। सिद्धांत बदलते रहते हैं, सिद्धांत बदलते रहते हैं। आज सिद्धांत है कार्य कारणों की व्याख्या करता है, कल कुछ और चीजें आ जाती है, तो ये सिद्धांत स्थायी नहीं रहता, ये अस्थायी में बदल जाता है। अस्थायी स्वरूप को माना गया है आधुनिक जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है उनको, परिकल्पना नहीं हो सकती, सिद्धांत तथ्यों की एक व्याख्या है, तो ये भी बात सही है। तो ए और 3 तो होंगे ही नहीं, ये 2 है, लेकिन आधुनिक की बात की तो 2 सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 31, किसने कहा कि परिवार पुरुष अधिपत्य ईर्ष्या, परिवार पुरुषों की ईर्ष्या के कारण उत्पन्न हुए? तो इसमें ये चीजें और जोड़ दी गई है, तो ये किसने कहा था? वेस्टरमार्क ने कहा था। कौन सा अध्ययन तुलनात्मक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है? तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि अगर आप इनमें से ये पढ़ोगे सुसाइट, तो इसमें बहुत ज्यादा तुलनात्मक विधि का प्रयोग हुआ है। गांव की बजाय नगरों में आत्महत्या ज्यादा होती है, अशिक्षित की बजाय शिक्षित में आत्महत्या ज्यादा होती है, महिलाओं की बजाय पुरुषों में आत्महत्या ज्यादा होती है, इस प्रकार की बात है, वो इमाइल दुर्खिम के द्वारा कही गई थी। तो ये क्या है? तुलनात्मक विधि है। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है वो इसके राइटर है, इमाइल दुर्खिम ही है, और 1895 में ये पुस्तक आई थी। किस जनगणना में शारीरिक अशक्त बधिर और मूक श्रेणियों को प्रारंभ किया गया था? 1881 के अंदर। एंथनी गिडेंस की निम्नलिखित पुस्तकों का सही कालक्रम आपको बताना है, सही कालक्रम इनका बताना है। तो इनकी पुस्तक अगर हम देखें तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी 1984 के अंदर आई थी, 1900, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है, लेकिन 1984 के अंदर आई थी। कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी, ये इन सब में पहली पुस्तक है, ये 70 के दशक में आ चुकी थी। फिर उसके बाद में 2 नंबर पे आएगी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, फिर
एक नंबर आएगा, फिर लास्ट के अंदर आएगा द रन अबिट, हाउ ग्लोबलाइजेशन इन सेविंग आवर लाइव्स। तो पहले दो, फिर तीन, फिर एक, फिर चार। हम जनजाति काल में जी रहे, अब हम जनजाति काल में जी रहे हैं, ये किसने कहा? तो ये मैफेसोली ने कहा। किसने कहा? मैफेसोली ने कहा। तो नोट कर लीजिए इस प्रकार से। आगे है, सौराष्ट्र के कस्बे में महुआ परिवार, सौराष्ट्र यानी गुजरात, सौराष्ट्र का क्षेत्र है वो गुजरात का क्षेत्र है। तो गुजरात में हम आइडिया लगा सकते हैं कि हम कई बार क्या है कि वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की जातियां हैं। देसाई है वो गुजरात में है, सा है वो गुजरात में है, करवे महाराष्ट्र के अंदर है, मेडल होम का चलो पता नहीं चलता है, अगर बोस आ रहे हैं तो वो कहाँ का अध्ययन करेंगे, बंगाल उड़ीसा का करेंगे, सिन्हा है वहां का करेंगे, अगर साउथ का कोई नाम है तो वो साउथ का करेंगे। इस प्रकार से हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो आईपी देसाई इसका सही है। अनुसंधान अध्ययन को आयोजित करने की, तो अनुसंधान के चरण थे उसके बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, अध्ययन समस्या का चयन करना होता है जो कि इसमें नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, साहित्य का पूर्वावलोकन करना। तो पहला क्या हो जाएगा, तीन। फिर हम क्या करेंगे, प्रश्नों का अनुसंधान करेंगे, फिर तथ्यों का एकत्रीकरण करेंगे, फिर इन तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, फिर रिपोर्ट लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये चार पांच श्रेणियां दी गई थी, तो इसको हम इजी वे में कर सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। दुर्खिम ने समाज के वर्गीकरण को सही कालानुक्रम में क्या है, तो ये दुर्खिम वाले टॉपिक में मैंने करवा रखा है, ये जो क्रम दिया हुआ है वो एकदम राइट है, एकदम सही है। मेलोवंस्की के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन संस्कृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो संस्कृति को मेलोवंस्की ने एक विस्तृत अवधारणा दी थी जिसमें उन्होंने एक साधन माना है जो सामाजिक उत्तरजीविती जीविता का मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, इस पर इन्होंने विशेष बल दिया था प्रकार्यवाद पे। तो व्यक्ति की मानसिक और बौद्धिक उत्तरजीविता में सहायक, यानी कहीं ना कहीं ये प्रकार्यवाद दे रहे हैं। ये एक, तीन और चार ऑप्शन है वो क्या है, प्रकार्यवाद से संबंधित है, यानी संस्कृति योगदान दे रही है। तो ये बात है वो मेलोवंस्की ने कही थी, ये बात है वो मेलोवंस्की ने नहीं कही थी, ये करोबर ने कही थी। किन्होंने कही थी? करोबर ने कही थी। तो आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगा। हाँ, बचे हुए क्वेश्चन है वो हम मंगलवार को करेंगे, उस दिन हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप जरूर व्हाट्सएप करें, हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए प्रूफ है वो जुटा सके। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।